हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट। इस लेक्चर में हम देख रहे हैं उसका पार्ट टू। ये है लेक्चर नंबर 17, द वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें हमने कुछ चीजें देख ली हैं, अभी देखते हैं एनिमेशन क्या होती है। एनिमेशन इज द अपीयरेंस ऑफ मोशन क्रिएटेड बाय डिस्प्लेइंग सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस इन सीक्वेंस। कि इमेजेस को एक सीक्वेंस में हम ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर सकते हैं, किसकी मदद से? एनिमेशन की मदद से। ये एक एनिमेशन शो हो रही है कि हमने जो इमेजेस हैं इनको सीक्वेंस में डिस्प्ले किया है। तो एनिमेशन होती है एनिमेट करने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इमेजेस को, उसको वीडियो की एक एक फॉर्म बन जाती है, मोशन की फॉर्म बन जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? एनिमेशन। ऑडियो क्या होती है? म्यूजिक, स्पीच और एनी अदर साउंड। कंप्रेस टू रिड्यूस फाइल साइज, साइज उसको कम किया जाता है जब रिकॉर्ड कर लिया जाता है उसके बाद, ताकि हर कोई उसको इजीली डाउनलोड कर सके। प्लेयर के जरिए उसको प्ले किया जाता है, उसको MP3 प्लेयर भी कहते हैं, ऑडियो प्लेयर भी कहते हैं, बाद वीडियो प्लेयर भी, ऑडियो प्लेयर को ऑडियो चीज़ें भी चला सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहाँ चला जाता है? ऑडियो को ऑडियो प्लेयर में। स्ट्रीमिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इन अ कंटिन्यूस एंड इवन फ्लो। ट्रांसफरिंग डेटा किया जाता है कंटिन्यूस फ्लो में या इवन फ्लो में। मिसाल के तौर पर लाइव स्ट्रीम आपने सुना होगा, लाइव स्ट्रीम लोग कर रहे होते हैं कि एक जो है ना कंटिन्यूस वे में हम वीडियो देख रहे होते हैं, या ऑडियो चल रही होती है उसको हम ऑडियो स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो स्ट्रीमिंग क्या होती है? एक कंटिन्यू वे होता है प्ले करने का किसी भी चीज़ को फ्लो में। ये ऑडियो फॉर्मेट्स होते हैं AAC, AIFF, ASF, MP3। MP3 आपने अक्सर सुना होगा, OGG, WAV भी अक्सर यूज होता है, WMA। ये सारे क्या हैं? ऑडियो के फॉर्मेट्स हैं। इनमें से जब भी हम ऑडियो देखते हैं वो किसी ना किसी फॉर्मेट में होता है इनमें से। तो हो सकता है वो MP3 फॉर्मेट में हो सकता है, वो वेव फॉर्मेट में हो सकता है, WMA फॉर्मेट में हो, तो वो किसी भी फॉर्मेट में ऑडियो हो सकती है। ठीक है, दी वर्ल्ड वाइड वेब में आप देखें वीडियो क्या होती है। वीडियो में ये होता है कि वीडियो कंसिस्ट ऑफ फुल मोशन इमेजेस। इमेजेस जो होते हैं लेकिन वो एक तरतीब में चल रहे होते हैं और इतनी स्पीड से चल रहे होते हैं कि हम उसमें फर्क नहीं कर सकते कि ये इमेज या वीडियो है। तो हम ये समझते हैं कि एक मोशन है और ये मतलब, हालांकि वीडियो भी क्या होती है? इमेज होती है लेकिन वो फुल मोशन में होती है। ये एक वीडियो की एग्जांपल दी गई है, यूट्यूब पर वीडियो चल रही होती हैं। जो वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? ये अब एनवायरनमेंट बनाए जाते हैं थ्री डिमेंशनल स्पेस में। ठीक है, ऑटो कंप्यूटर जनरेटेड। ये इसमें दिखाया गया कि इस तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। अब जो है लोगों को इस तरह की डिवाइस दी जाती हैं जो कि वो आंखों पर पहन सकते हैं, या फिर वो कुछ अपने मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में पहनते हैं, या वो किसी ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें वो लगता है वो किसी और दुनिया में आ गए हैं, इस तरह के इन्वायरमेंट में आ गए हैं। तो उन चीज़ों को वो फील भी कर सकते हैं, वो यही समझते हैं कि वो रियल में उस जगह पर है। इस तरह से दुनिया में क्लासेस भी कंडक्ट हो रही हैं। हो सकता है वो क्लासेस अमेरिका में कंडक्ट हो रही हो लेकिन वर्चुअल इन्वायरमेंट की मदद से पाकिस्तान से भी वो आप अटेंड कर सकें और आप यहीं समझें कि आप हैं ही उधर। तो ये है वर्चुअल रियलिटी। ये यानी कि ये होती रियलिटी नहीं है लेकिन ऐसे महसूस होता है जैसे ये रियलिटी है, इसको वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। ये इन्वायरमेंट अब जो है इस पर बहुत काम हो रहा है। तो ये आप लोगों को वैसे भी अंदाजा होना चाहिए कि कोई पूछे VR क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसकी मदद से हम फील कर सकते हैं एक इन्वायरमेंट को। ई कॉमर्स जो है ऑनलाइन बिजनेस को ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन डेट ऑकर्स ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। वैसे कॉमर्स का मतलब ही मतलब बिजनेस होता है लेकिन ई कॉमर्स एक तो हम देखें ई लर्निंग, ई कॉमर्स, इस तरह की सारी चीज़ें, ई गवर्नमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट के लिए ई यूज करते हैं। एम कॉमर्स क्या होती है? डेट टेक प्लेस यूजिंग मोबाइल डिवाइस, मोबाइल से एम कॉमर्स। ठीक है, एम कॉमर्स मोबाइल डिवाइस के जरिए जो हो। ई मेल क्या होती है? मैसेज ही सेंड करते हैं लेकिन उसका एक अलग ऐसे सिस्टम बना हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क का। ई मेल प्रोग्राम जैसे मिसाल के तौर पर जी मेल है तो वो क्या होती है? ईमेल को सेंड करने में मदद देते हैं, फॉरवर्ड करने में, रिसीव करने में, डिलीट करने में। ये कुछ ईमेल प्रोग्राम दिखाए गए हैं और कैसे होता है, जो फाइल उठाते हैं ईमेल में डालते हैं और ईमेल सेंड कर देते हैं। वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है। कम्युनिकेशन क्या होती है? कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस इन विच टू और मोर कंप्यूटर आर डिवाइस ट्रांसफर डेटा इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन, जिसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे को डेटा भेजते हैं। ये क्या है? कम्युनिकेशन। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा जा रहा है। सेंडिंग डिवाइस है, ठीक है, एक सेंडिंग डिवाइस होती है और दूसरा क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल, ये इंटरनेट हो सकता है, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। और तीसरी क्या होती है? रिसीविंग डिवाइस। तो कम्युनिकेशन क्या होती है?
describes the process in which two or more computer or devices transfer data, instruction and information. ये तीनों चीजें transfer होती हैं एक computer से दूसरे computer और एक device से दूसरी device. ये communication system के बताया गया है. मिसाल के तौर पर ये एक server है, इसके जरिए ये देखें हर जगह data transfer हो रहा है और ये cable के जरिए हो रहा है. ये जो बड़ा हमें दिखाया गया है ये वाला और दूसरे वाला ये सिग्नल के थ्रू हो रहा है, ये भी दिखाया गया हमें सिग्नल वाला भी. तो कम्युनिकेशन दोनों तरह से हो सकती है, यानी कि सिग्नल के थ्रू भी हो सकती है वायरलेसली और एक वायर के साथ भी हो सकती है. क्या क्या यूज है ब्लॉग जो है ना, ब्लॉग ऑनलाइन वेबसाइट भी होती हैं तो हम उनमें इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं. चैट रूम होते हैं, ईमेल, फैक्स, FTP, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है कि फाइल हम भेजते हैं और रिसीव करते हैं, मैसेज करते हैं, इंटरनेट, न्यूज़ ग्रुप्स, RSS फीड, ये न्यूज़ के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है, VOIP, वेब 2.0, वेब फोल्डर, विकी, इन सब के नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर आपको पता होगा ये सारे कम्युनिकेशन के इतने सारे यूजर्स हैं कि इंटरनेट असल में है ही कम्युनिकेशन. अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन है, एक बंदा दूसरे को सेंड कर रहा है. आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी मैंने एक वीडियो बनाई है और आप इसको देख रहे हैं, ये भी एक किस्म की कम्युनिकेशन है. तो इंटरनेट है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का टॉपिक भी बहुत अहम है. कम्युनिकेशन क्या होती है ये पता होना चाहिए. यूजर कैन सेंड एंड रिसीव वायरलेस मैसेज यूजिंग वायरलेस मैसेजिंग सर्विस. मिसाल के तौर पर जो हमारे जो सिम्स हैं ये वायरलेस मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं. ये बंदे एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, ये पिक्चर में दिखाया गया है. टेक्स्ट मैसेजिंग क्या होती है? अलाउज यूजर टू सेंड एंड रिसीव शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज ऑन ए फोन और अदर मोबाइल डिवाइस एंड कंप्यूटर. ठीक है, टेक्स्ट मैसेजिंग का आपको पता ही है क्या होती है. मैसेज आप एक दूसरे को सेंड करते हैं, पिक्चर मैसेजिंग में पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो मैसेजिंग में वीडियो भी सेंड कर सकते हैं. वायरलेस इंस्टेंट मैसेजिंग जो होती है ये क्या होती है, जैसे मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप है तो ये फास्ट होती है, रियल टाइम, ठीक है, विद वन एंड मोर अदर यूजर्स. तो वायरलेस इंस्टेंट मैसेज इसमें ये भी वही होती है लेकिन इसमें ये एक तो ये है कि एक तो ये वायरलेस होगी यानी कि ये केबल के साथ नहीं होगी. टेक्स्ट मैसेज हो सकता है कि हमने केबलों के जरिए मुख्तलिफ मोबाइलों को कनेक्ट किया हो या मुख्तलिफ डिवाइस को कनेक्ट किया हो, लेकिन आजकल ज़्यादातर वो भी वायरलेस ही होती है. तो और ये एक इंस्टेंट होती है, उसी टाइम फ़ौरन मैसेज आपका पहुँच जाता है एक सेकंड के अंदर अंदर. वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट क्या होता है कि जहाँ से हम इंटरनेट को एक्सेस करके क्या करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं. मिसाल के तौर पर इंटरनेट हम होम से भी एक्सेस करते हैं तो उसको एक्सेस पॉइंट उसका होम में होगा, अगर वर्क से एक्सेस करते हैं तो उसका एक्सेस पॉइंट होम में होगा. एक्सेस पॉइंट ये होता है कि जहाँ से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ लोगों को दिखाया गया, ये बंदा इधर से इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, ये बंदा इधर से कर रहा है. हर बंदे का एक्सेस पॉइंट क्या होता है जहाँ से वो इंटरनेट एक्सेस कर रहा है. साइबर कैफे क्या होता है, जिसको हम आजकल के दौर में हमारे खासतौर पर इधर हमारे जो है रीजन में हम उसको इंटरनेट कैफे कहते हैं कि जहाँ हम इंटरनेट पर आवर के हिसाब से चार्ज होता है, जहाँ उनके अपने अपने चार्जेस होते हैं टाइम के हिसाब से. तो वो क्या हमें ऑफर करते हैं, हमें ये ऑफर करते हैं कि हम इंटरनेट यूज करें, उसके बदले में हम उन्हें पे करते हैं. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है, GPS, इसका आपने सुना होगा. कंप्यूटर में लोकेशन का साइन होता है, मैप भी यूज करते हैं तो वो कहते हैं GPS ऑन करें, ठीक है. तो इसका क्या फ़ायदा होता है GPS का, ये हमें हमारी लोकेशन का जो है ना उसे हम क्या करते हैं, इज अ नेविगेशन सिस्टम डेट कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर अर्थ बेस्ड रिसीवर डेट एक्सेप्ट एंड एनालाइज सिग्नल सेंट बाय सैटेलाइट्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द GPS रिसीवर ज्योग्राफिकल लोकेशन. कि सैटेलाइट की मदद से हमारी लोकेशन पता चल जाती है कि हम किस जगह पर हैं मैप में, और हमारी डिवाइस की लोकेशन भी पता चल जाती है. बाज मोबाइलों में ये लगे होते हैं, ठीक है, बाज जगह पर वैसे भी अवेलेबल होते हैं, और कारों में नई जो कारें आ रही हैं उनमें भी GPS लगे होते हैं, ठीक है. तो वो सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं तो उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं. ग्रुप फेयर क्या होते हैं, ठीक है, ये ग्रुप लोगों के मुख्तलिफ ग्रुप्स को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद देते हैं, तो उनको केबलों के जरिए या नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया जाता है. वॉइस मेल जबकि क्या होती है, ये हम मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप ले लें, किसी बंदे को मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारे बंदों को भी मैसेज कर सकते हैं, किसी भी किस्म का मैसेज सेंड कर सकते हैं. तो ग्रुप फेयर एक खास ग्रुप के लिए होती है. वॉइस मेल हम किसी एक बंदे को भी सेंड कर सकते हैं, बहुत सारे बंदों को भी सेंड कर सकते हैं. कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, जो कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कम्युनिकेट करने में मदद देते हैं. मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप भी एक सॉफ्टवेयर है,
इंक्लूड टूल दैट एनेबल यूजर टू शेयर डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं वी ऑनलाइन मीटिंग्स एंड कम्युनिकेट विद कनेक्टेड यूजर। मिसाल के तौर पर जूम भी एक है, हम उसके जरिए मीटिंग भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, स्काइप के जरिए, इन सारी चीज़ों के जरिए हम मीटिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स, वेब कॉन्फ्रेंस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? कोलेबोरेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कंसेप्ट में आपको पता होनी चाहिए। कोई पूछे ऑनलाइन मीटिंग कहाँ होती है, तो आपने ये बताना है कि उसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप होती है या स्काइप या जूम या गूगल मीटिंग, जिनके नाम आपके जहन में आए। तो इनके और क्या फ़ायदे होते हैं? डॉक्यूमेंट हम सेंड कर सकते हैं, पिक्चर वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये मिसाल के तौर पर हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन की मदद से ये देखें, ये हमने क्या किया है, एक ग्राफ की मदद से हमने शो किया है कि ये हमारी सेल इस तरह से हुई है। तो मतलब इजीली हम वीडियो की मदद से भी कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई है कंप्यूटर कम्युनिकेशन की मदद से। नेटवर्क की डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टूगेदर वी कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया। अच्छा, जो हमने पीछे देखा है वो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखी है। कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्क यूज होता है, ठीक है। इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टूगेदर वी कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज होता है? नेटवर्क यूज होता है। एडवांटेज ऑफ नेटवर्क इंक्लूड फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हो सकती है, हार्डवेयर भी शेयर हो सकता है, यानी कि मैं आपकी हार्ड डिस्क से कोई चीज़ ले भी सकता हूँ, केबलों के जरिए भी एक्सेस करते हैं, मोबाइल केबल के जरिए लैपटॉप से अटैच किया जाता है या कंप्यूटर से अटैच किया जाता है। शेयरिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, ट्रांसफर फंड, इनमें से कोई भी और भी फायदे हैं, ठीक है, ये मेन मेन फायदे उसके हैं नेटवर्क के। ये नेटवर्क की एक एग्जांपल दी गई है किस तरह नेटवर्क काम करते हैं। ये मिसाल के तौर पर ये केबल से सारे सारे जो डिवाइस हैं कनेक्ट हैं, तो ये आपस में, अब ये एक नेटवर्क बना हुआ है, सारे लोग इससे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रीज़न है कि क्या बिजनेस जो है वो यूज़ करते हैं नेटवर्क को, क्योंकि नेटवर्क जो है कनेक्शन को ईजी बना देते हैं, आपस में कम्युनिकेट करने को ईजी बना देते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया, मिसाल के तौर पर एक कॉलेज में हो सकता है, एक मार्केट के अंदर हो सकता है, लेकिन छोटे से एरिया पर जो नेटवर्क बना होता है उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। कोई पूछे लैन क्या होता है या लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो कहना है कि जो छोटे एरिया पर होता है। वायरलेस लैन क्या होता है? इज अ लैन डेट यूजेस नो फिजिकल वायर, होता है तो छोटे एरिया पर है पर वायर नहीं यूज होती, मिसाल के तौर पर ब्लूटूथ के जरिए हो सकता है या कोई रोटर वगैरह लगा होता है उनके जरिए हो सकता है। तो ये वायरलेस के थ्रू हो रहा होता है, ये जो स्पीकर में दिखाया गया है, यानी कि सिग्नल के थ्रू, और ये जो है केबल के थ्रू हो रहा होता है। तो दोनों किस्म की हो सकती है, ये देखें, ये सिग्नल के थ्रू भी हो रहा है और ये केबल के थ्रू हो रहा है। तो ये वैसे दिखाया गया कि एक बिल्डिंग के अंदर हो रहा है, यानी कि छोटे से एरिया में हो रहा होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के बाद मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि वो बहुत से लैन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क बड़े एरिया पर होता है। वाइड एरिया नेटवर्क उससे भी बड़े एरिया नेटवर्क पर होता है, लार्ज जियोग्राफिक एरिया। तो ये तीन किस्म के नेटवर्क होते हैं, लैन छोटे से एरिया पर जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, मैन जो है वो बहुत सारे लैन को कनेक्ट करता है उसको मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क जैसे वाइड वैसे ही नाम से भी ज्यादा है कि लार्ज एरिया नेटवर्क। ये मुख्तलिफ नेटवर्क को दिखाया गया है कि किस तरह आपस में ये कनेक्ट होते हैं। डिजाइन ऑफ कंप्यूटर डिवाइस एंड मीडिया ऑन ए नेटवर्क इज समटाइम कॉल्ड द नेटवर्क आर्किटेक्चर, कि किस तरह नेटवर्क बनाया है उसको हम कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर, किस तरह हमने उसको कनेक्ट किया है। अब ये दो इसकी मेन टाइप होती हैं। कोई पूछे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है या पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, जो क्या होता है कि ये एक सर्वर है, ठीक है, इस पर लिखा हुआ सर्वर, ये जिसके मैंने सर्कल किया है ये सर्वर है, बाकी सारे क्या हैं, ये चारों क्लाइंट है। तो इसमें जो मेन जो सोर्स होता है जो सब को कनेक्ट कर रहा होता है उसको सर्वर कहते हैं, और बाकी सारे सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मेन मेमोरी भी इसकी होती है, सारी चीज़ें इसकी यूज़ हो रही होती हैं, बाकी सब जो हैं वो जो है ना काम होते हैं वो उसके सब सिस्टम होते हैं। तो सर्वर इसको कहते हैं, ठीक है, जो मेन होता है उसको सर्वर कहते हैं, और ये सर्व कर रहा होता है, सर्वर से मतलब ये है कि वो सर्व कर रहा है एज ए नेटवर्क को, आपस में डिवाइस कनेक्ट कर रहा है, ये सारी डिवाइस देखें इसी से कनेक्ट हैं। तो बाकी जो हैं वो क्या हैं, क्लाइंट हैं, क्लाइंट वो इससे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो क्लाइंट और सर्वर की डेफिनेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। क्लाइंट वो होता है जो फोटोकॉपी मशीन या प्रिंटर, ये सारे जो मेन नेटवर्क से कनेक्ट हैं, सर्वर से कनेक्ट हैं वो हैं क्लाइंट,
और सर्वर जो मेन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। पीयर टू पीयर में क्या होता है, ये दूसरी तरह का नेटवर्क होता है, इसमें अब सर्वर कोई नहीं होता, इसमें सारे नेटवर्क बराबर समझे जाते हैं, यानी कि ये भी एक कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, इस प्रिंटर को भी एज ए कंप्यूटर उन्हें समझ के, यानी कि सारी जो है वो कैसे कनेक्ट है, पीयर टू पीयर है। यानी कि पीयर का मतलब ये होता है, मतलब हम जब एक क्लास में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हम एक दूसरे के पीयर हैं, हम जब हमारी एज एक जितनी होती है हम कहते हैं हम पीयर हैं, यानी कि एक बराबरी पर जब काम होता है तो उसको पीयर टू पीयर कहते हैं। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में बराबर नेटवर्क होता है। पी टू पी, इसको पॉइंट टू पॉइंट भी कहते हैं, डिस्क्राइब्स एन इंटरनेट नेटवर्क ऑन विच यूजर्स एक्सेस ईच अदर हार्ड डिस्क एंड एक्सचेंज फाइल डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट। इसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो मिसाल के तौर पर तीन कंप्यूटर हैं हमारे, तीन बंदे हैं हम, तो हम एक दूसरे के हार्ड डिस्क में जो डेटा सेव है उधर उसको डायरेक्टली उसको वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है, तो उसकी हार्ड डिस्क हम एक्सेस कर सकते हैं। इसको कौन सा नेटवर्क कहते हैं, पी टू पी नेटवर्क। अगर कोई पूछा जाए पी टू पी नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज पी टू पी नेटवर्क, डिफाइन पी टू पी नेटवर्क, तो हम कहना है इसमें हम एक दूसरे की हार्ड डिवाइसेस को जो है एक्सेस कर सकते हैं, एक दूसरे के अपने कंप्यूटर से दूसरे की हार्ड डिस्क जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, ये एक बहुत अहम टॉपिक है, ठीक है। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो एक जगह जो कंप्यूटर होता है उसको दूसरी जगह पर कंप्यूटर से एक केबल से जोड़ते हैं या वायरलेस से, ठीक है। तो टोपोलॉजी रेफर टू ले आउट ऑफ द कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। ये केबल वाले नेटवर्क का बताया गया कि हम किस तरह चार कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो इस तरह कर सकते हैं, एक किसी और तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ तरीके हैं। तो किस तरह कनेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी पता होना चाहिए। रेफर टू दी लेआउट, लेआउट का मतलब है जो डिजाइन हमने बनाया कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को। ये चार पांच किस्म की मेन जो एम होती है। स्टार नेटवर्क की क्या होती है, इसमें एक सेंट्रल डिवाइस लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक सेंट्रल डिवाइस लगाते हैं, उसके जरिए सब को कनेक्ट करते हैं, यानी कि एक स्टार की शेप मान लिया जाए देखें, तो इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं या स्टार नेटवर्क कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेन केबल, जिस तरह एक बस जा रही है जहाँ जहाँ वो सारियाँ उतारती जा रही है, उस तरह मिसाल के तौर पर ये होता है पैसेंजर उतारती जा रही है, यहाँ पर एक डिवाइस कनेक्ट है एक बड़ी केबल के थ्रू, वो सीधी जा रही है, सारी डिवाइसेज उससे कनेक्ट हैं, तो ये एक बस की तरह है, इसलिए इसको बस नेटवर्क कह देते हैं। और तीसरे नंबर पर रिंग है, एक रिंग बना हुआ है, सारी आपस में कनेक्ट है। तो ये सारी आपको पता होना चाहिए टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है, कि जिस तरह हम कंप्यूटर का आपस में कनेक्ट करते हैं, उसकी तीन मेन टाइप्स हैं, ठीक है, रिंग, बस, स्टार, ये आपको पता होने चाहिए। बस में ये सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल है नहीं है, बस में बस बनी होती है, रिंग में रिंग बना होता है, स्टार में एक स्टार बना होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने जो इंटरनेट पिछले लेक्चर से इंटरनेट पढ़ रहे थे उसके बारे में मजीद कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, वीडियो देखी है क्या होती है, ऑडियो देखा है क्या होता है, इस तरह की कुछ चीज़ें देखी हैं। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन देखी है कि कम्युनिकेशन कैसे होती है, कम्युनिकेशन के फायदे क्या क्या होते हैं, और आखिर में हमने देखा है कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की डेफिनेशन देखी है। उसके बाद ये नेटवर्क तीन किस्म का होता है, कौन कौन सा, लैन, लोकल एरिया और मेट्रोपॉलिटन एरिया, और सबसे बड़ा जो होता है वो वाइड एरिया। तो और नेटवर्क के जो टोपोलॉजी कितनी होती हैं, तीन होती हैं, यानी कि तीन तरह से हम कनेक्ट करते हैं, और भी तरह से कर सकते हैं, एक मैश टोपोलॉजी भी होती है, लेकिन आपने ये तीन है, मैं तीनों को याद रखना है। तो इसमें ज़्यादातर छोटी डेफिनेशन ही है, बड़ा सवाल नहीं है, टोपोलॉजी का बल्द आ जाता है, लेकिन इतना ये अभी जो इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन एंड जो टेक्नोलॉजी है इसमें नहीं आएगा, मेरा नहीं ख्याल क्या है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया।